दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल की एक और नए वीडियो में। और आज बात करेंगे एक एक्शन एडवेंचर हिस्टोरिकल ड्रामा वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है स्पार्टेकस। ये सीरीज शुरू हुई थी ईयर 2010 में और 2013 तक इसके टोटल 4 सीजन्स रिलीज हुए थे। आईएमडीबी की बात करूं तो इसकी रेटिंग बहुत ही सही है जो कि 8.5 out of 10। और ये सीरीज आपको नेटफ्लिक्स पर मिल जाएगी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए बात करते हैं इस वेब सीरीज के प्लॉट की। अब यार देखो ये जो सीरीज है ये 73-71 BCE के टाइम के रोम को रिप्रेजेंट करती है। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट। सीजन 1 में अपना जो लीड कैरेक्टर है स्पार्टेकस उसे कैप्चर कर लिया जाता है और पूरे सीजन 1 में उसी के अराउंड स्टोरी रिवॉल्व करती है। ये जो टाइम दिखाया गया है इस टाइम पे रोम में स्पोर्ट्स के नाम पे ग्लैडिएटर्स के मैचेस अरेंज किए जाते थे एक दूसरे के खिलाफ और इन ग्लैडिएटर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलती थी हर चीज की। तो इसी तरीके से स्पार्टेकस को भी एक ग्लैडिएटर ट्रेनिंग कैंप में एनरोल किया जाता है और वहाँ पे उसकी ट्रेनिंग होती है प्रॉपर। देखो जब स्पार्टेकस को कैप्चर किया जाता है ना तो वो अपनी वाइफ से बिछड़ जाता है। तो उसकी लाइफ का फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट गोल यही होता है कि अपनी वाइफ को ढूंढना और उस प्रिजन से भागना। अब जैसे आपने गेम ऑफ थ्रोन्स में देखा होगा कि अलग अलग जगह के अलग अलग लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। सिमिलरली इस सीरीज में भी मतलब ऐसे लॉर्ड होते हैं लेकिन उन्हें लॉर्ड्स नहीं बल्कि डोमिनस के नाम से एड्रेस किया जाता है। अब इन सभी डोमिनस के अलग अलग प्रोफेशंस होते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें करते हैं ये लोग, जैसे ट्रेडिंग, मैनेजमेंट वगैरह। तो मतलब ऑल इन ऑल जो डिटेल्स दिखाई गई है ना पूरी वेब सीरीज में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इंट्रीगिंग लगती हैं। अब यार देखो जो इस सीरीज का सेकंड सीजन है वो फर्स्ट सीजन का प्रीक्वल है, मतलब उसमें स्पार्टेकस के आने के पहले के टाइम की स्टोरी दिखाई गई है। तो सीजन 1 के कैरेक्टर्स थे उनकी, और जो सीजन 3 और 4 हैं वो सीजन 1 के सीक्वल हैं। तो देखो आप मतलब ऑर्डर में अगर देखना चाहते हो तो ऑर्डर में भी देख सकते हो 1, 2, 3, 4, या अगर आप सीजन 2 पहले देख लोगे तो उसमें भी कोई हार्म नहीं है, मतलब इतना खास कोई स्पॉइलर नहीं मिलेगा अगले सीजन्स के लिए। तो चलो यार अब तारीफ बहुत होगी, अब थोड़ी कमियां भी गिनवा दूं मैं इस सीरीज की। तो जो स्पार्टेकस का कैरेक्टर है सीजन 1 में वो तो प्ले किया है एंडी विटफील्ड ने, बट सीजन 3 और 4 में स्विच कर दिया गया था लियम मैकेंटायर के साथ। तो अब ये थोड़ा मुझे अजीब लगा क्योंकि एक अटैचमेंट हो जाती है कैरेक्टर के साथ तो आगे फिर वो कनेक्शन नहीं बन पाता। सिमिलरली नेविया एक कैरेक्टर है वेब सीरीज में, उसके साथ भी ऐसा ही किया गया। सीजन 1 में किसी ने प्ले किया है, सीजन 3 और 4 में किसी और ने प्ले किया है। दूसरी चीज़ आती है VFX। फर्स्ट सीजन में, सेकंड में और थर्ड में बहुत ही सही VFX यूज़ किए गए हैं, बट फोर्थ सीजन में जहाँ बैटल दिखाई गई है वहाँ पे थोड़ा मुझे फेक लगा, थोड़ा मतलब और इम्प्रूव हो सकता था। अदर देन दैट दिस वेब सीरीज इज़ फ्लॉलेस और मैंने तो ये 4 के 4 सीजन बिंज वॉच किए थे तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आया 4 के 4 देखने में। सो गाइज आई बिलीव इतनी डिटेल काफ़ी है आप लोगों के लिए इस वेब सीरीज़ में इंटरेस्ट जगाने के लिए। अब चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। हम मिलते रहेंगे आपसे ऐसी नई शानदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।